200 बेड हॉस्पिटल है, तो मार्च महीने तक यहाँ पर 300 बेड हमारे फंक्शनल थे। उसके बाद हमने 250 बेड्स और प्रोक्योर कर लिए हैं, आज के लिए हमारे पास 550 बेड्स है। दो तीन कमियाँ हमारे पास जरूर है जो अभी पाइपलाइन में है, आने वाले कुछ ही दिनों में वो पूरी कर ली जाएंगी। जैसे कि अभी तक हमारे पास यहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, जिसके लिए जो सरकार ने स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कंपनी के थ्रू सीटी स्कैन लगे हुए हैं सुंदरनगर मंडी में, तो हमें सीटी स्कैन कराने के लिए वहाँ तक भेजना पड़ता है। तो आने वाले महीने भर में हमें उम्मीद है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में थोड़ी सी कुछ देरी हुई है किसी कारणवश, कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से, तो वो कमी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद सीटी स्कैन, कुछ एम्बुलेंसेज का भी इशू था हमारे पास, एम्बुलेंसेज एक ही एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया भी चली हुई है, तो जिसमें एक 108 एम्बुलेंस हमें मिलने वाली है, दो एम्बुलेंसेज परचेज करने की प्रक्रिया जारी है, और अभी एक एम्बुलेंस हमें महीने भर के अंदर मिलने वाली है, जो हमें शायद एमपी फंड से एमपी साहब ने आश्वासन दिया था, और शायद उसकी बुकिंग भी हो चुकी है। और थोड़ी सी दिक्कत हमें ब्लड बैंक की है, तो ब्लड बैंक का अभी हमने अप्लाई किया हुआ है, तो अभी लाइसेंस नहीं मिला है, तो जैसे लाइसेंस ब्लड बैंक का में आ जाएगा तो ब्लड बैंक यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा। हालांकि हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट है जिसमें कि 40 से 50 ब्लड बैग्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो पेशेंट्स को यहाँ पर ब्लड मिलता रहता है मंडी से जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ। पहले तो 800-900 से यहाँ पर डेली ओपीडी शुरू हुआ, जो आज हमारा 1500 से ज़्यादा का आंकड़ा प्रतिदिन पार।